तीन तरह की गेंद से खेलने का ये नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं हिटमैन रोहित शर्मा। हाल ही में रोहित शर्मा ने टीम इंडिया का नेतृत्व करते हुए उसे बांग्लादेश के खिलाफ जीत दिलाई है। इसके बाद टीम इंडिया अब 14 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे वनडे नाइट टेस्ट में रोहित शर्मा इतिहास रचेंगे। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला डे नाइट टेस्ट होगा, जो कोलकाता ईडन गार्डन मैदान पर 22 नवंबर से खेला जाएगा। इस मुकाबले में गुलाबी गेंद का प्रयोग किया जाना है। बता दें कि डे नाइट टेस्ट मुकाबले के दिन मैदान पर उतरते हुए रोहित शर्मा इतिहास रचेंगे। दरअसल रोहित ने नवंबर में ही बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज खेली है और वह बेस्ट खेलेंगे, यानी इस महीने रोहित शर्मा तीन अलग अलग तरह से रंगों की गेंदों से रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। रोहित शर्मा ने सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में सफेद बॉल से क्रिकेट खेला। इसके बाद अब वह बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में तहल लाल रंग से खेलेंगे। वहीं इसके बाद डे नाइट टेस्ट मुकाबले में वह गुलाबी गेंद से खेलने की गवाह भी बनेंगे। बता दें कि रोहित शर्मा इस वक्त शानदार फॉर्म में है और अब उन पर टेस्ट सीरीज में भी निगाहें होंगी। रोहित शर्मा ने पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले से कमाल दिखाया था। वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। बता दें कि अब बांग्लादेश के खिलाफ भी वह अपने प्रदर्शन की दोहरा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा का जादू चलेगा या नहीं? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।